मर्दों को पीछे से करने में ज्यादा मजा क्यों आता है? क्यों, क्या ऐसा चीज है जो मर्दों को पीछे से करने में, मतलब ये जो डॉगी स्टाइल है ना, मर्दों का फेवरेट होता है। चाहे वो किसी भी मर्द की बात कर लो, 99% जो मर्द होते हैं ना, इनको अगर फेवरेट पोजीशन के बारे में कहा जाए तो इनका एक फर्स्ट चॉइस होगा कि डॉगी पोजिशन इज द बेस्ट पोजिशन और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इस टाइप का उनके मुँह से आंसर सुनने को मिलेगा। तो क्या होता है इस डॉगी पोजिशन में, क्यों उनके इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? तो क्या होता है डॉगी पोजीशन में, जो एक मेल होता है ना, उसको तो सबसे पहले एक फीमेल की बॉडी को पूरा देखने का मौका मिलता है पीछे से, पूरा चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, उनको अपने जो वाइफ है उनके प्राइवेट पार्ट को भी पूरा नज़दीक से देखने को मिलता है, और पीछे से जो जब वो देखते हैं तो वो उनका मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को देखते, पूरा उनका जो प्राइवेट पार्ट है, योनी जो है वो पूरा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, एनस जो है वो भी बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। साथ ही साथ वहाँ पीछे से वो देखते हैं तो जो स्तन होते हैं वो भी नीचे हुए लटके हुए दिखते हैं, लूज दिखते हैं, तो उससे जो मर्द है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो इसके चलते भी जो एक पुरुष है उसको पीछे से करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तीसरा चीज़ है कि जब वो पीछे से करते हैं तो सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। वो अपनी वाइफ को पीछे से प्यार कर सकते हैं, उनको चाटा लगा सकते हैं, उनके बालों को खींच सकते हैं, थोड़ा टॉर्चर कर सकते हैं, ये भी उनके हाथ में होता है। चौथा चीज़ है कि जब वो पीछे से करते हैं तो उनका दोनों हाथ खाली होता है, तो वो अपने हाथों से उनके नीचे से स्तनों को भी छू सकते हैं, खींच सकते हैं और उनके पूरे बॉडी पे हाथ फेर सकते हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। और अगला जो है कि उनको पीछे से करने क्यों अच्छा लगता है, अगर वो पीछे से कर रहे हैं तो जो वेजाइना है वो पूरा प्रॉपर बाहर निकला हुआ होता है, तो वहाँ पे अगर वेजाइना में करते हैं तो पूरा अंदर तक डीप तरीके से जाता है, इंसर्ट होता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगला चीज़ है कि जब वो पीछे से कर रहे हैं तो वहीं पे पीछे करते करते उनको एनल पे भी करने का मौका मिल जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो एनल पे भी उनको करने का मौका मिलता है, देन वो एनल पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वाइफ है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो वो केवल इस चीज़ को बस फील करती है, धीरे धीरे इस चीज़ को वो भी मतलब मजा लेने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकती, सारा का सारा कुछ जो एक मेल है उसके हाथ में रहता है। तो इसके चलते ही जो मेल है उनको पीछे से करना बहुत ज़्यादा आई होप पसंद ये है। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो वीडियो है आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएँ। और कोई भी आप सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई भी चार्ज नहीं, फ्री में होता है।